कश्मीर मुद्दे पर यूं तो पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन उसकी पैतरेबाजी ने उसे और झुका दिया। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी सदस्य और सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष कैरन पियर्स ने कहा है कि नवंबर में होने वाली बैठक में कश्मीर पर कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि दुनिया में और भी बहुत से मुद्दे हैं। पियर्स ने मासिक अध्यक्षता का पदभार संभालने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, हम कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। उनसे सीरिया के एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या कश्मीर को लेकर कोई बैठक या बातचीत होने वाली है, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। पियर्स ने कहा कि दुनिया में बहुत सारे मुद्दे हैं और हर महीने अध्यक्ष उनमें से कुछ को चुनता है जो सुरक्षा परिषद के कामकाज में पहले से तय नहीं होते हैं। हमने कश्मीर मुद्दे को इसलिए नहीं चुना क्योंकि सुरक्षा परिषद ने हाल ही में इस पर चर्चा की थी और हमें किसी भी अन्य सदस्य ने इसे लेकर बैठक निर्धारित करने के लिए नहीं कहा है। वैसे तो पाकिस्तान के बाद चीन ने कश्मीर के मसले पर बैठक करने के लिए कहा था। सुरक्षा परिषद ने अगस्त में बंद कमरे में भारत सरकार के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के बाद इस पर चर्चा भी की थी। लेकिन इस बैठक में पाकिस्तान और चीन को करारा झटका लगा था क्योंकि तमाम बड़े देशों ने भारत का साथ दे दिया था। पाकिस्तान के बाद चीन भी चाहता था कि यूएन इस पर फिर से सोचे। चीन ने इसे लेकर यूएन को एक चिट्ठी भी लिखी थी। पियर्स के कश्मीर पर दिए इस बयान से पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनिया गुतारेस ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान से अनुरोध किया था कि वो आपस में बातचीत करें और पूरे मामले को सुलझा लें। मलेशिया, तुर्की, चीन को छोड़ दें तो किसी ने भी पाकिस्तान का कश्मीर मामले पर साथ नहीं दिया। कई बड़े देशों ने दोनों देशों को आपस में बातचीत करने की सलाह जरूर दी, लेकिन भारत ने तो कश्मीर के मामले पर साफ तौर पर यह कह दिया है कि कश्मीर का मामला पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है और उसमें चीन, पाकिस्तान या किसी भी देश की दखलअंदाजी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।